1984 दंगों के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट ने गवाहों को सही तरीके से पेश न करने पर सीबीआई को फटकार लगाई और अगली तारीखों में गवाहों के साथ पेश होने की हिदायत दी। सिख विरोधी दंगे मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ शीला कौर को गवाही देनी थी और उनका क्रॉस एग्जामिन भी होना था, लेकिन बीमार होने का हवाला देकर शीला कौर कोर्ट में पेश नहीं हुई। सीबीआई के वकील ने आज कोर्ट में बताया कि जी हम इस मैटर को अच्छे स्पीड से लेना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, पर किन्हीं कारणों के कारण आज शीला कौर जो इसमें मुख्य गवाह है मेन, जिनकी आधी गवाही पहले हो चुकी थी और जज चेंज कराने की वजह से गवाही आगे रुक गई थी, पर जो शीला कौर ने गवाही दी और जो रिकॉर्ड में आई गवाही उसमें बड़ा फर्क था। आज शीला कौर बीमारी के करके नहीं आ पाई, लेकिन जज साहब ने भी और सीबीआई ने इसमें बड़ी नाराजगी दिखाई कि जो इसमें विटनेस हैं वो सीरियस नहीं है, और जज साहब ने कहा कि अगली डेट पे उनकी बेटी जो पेश हुई थी शीला कौर की, उनको बोला कि अगली डेट पे कोर्ट में विद मेडिकल सर्टिफिकेट आना है और 100% हाजिरी आपकी होनी चाहिए। इस पर कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि गवाह मामले को लेकर सीरियस नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। कोर्ट ने सीबीआई को झाड़ लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई में हर हाल में गवाह को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।